वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। ये आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे इस टॉपिक को सेंड किया था कि प्लीज़ इस पर वीडियो बना दीजिए और हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी तरह से अगर आपको भी कुछ अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जहाँ पे हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होते हैं या स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसका एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि हम जब प्रॉपर्टीज पढ़े तो हमें क्लियर हो कि प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर इज ऑफन रिटन एज अ लिटिल टू लाइक दिस। स्क्वायर हमेशा ज्यादातर हम कैसे लिखते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह से टू लगा देते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे फोर का स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, फोर की पावर टू। ठीक है, अगर स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे, फोर की पावर टू, और इस टू का मतलब होता है स्क्वायर। अगर आपको कहीं भी ऐसा टू सिंबल मिलता है, किसी भी नंबर के ऊपर छोटा सा टू लिखा हुआ मिलता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फोर का स्क्वायर है। और फोर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए फोर के स्क्वायर की वैल्यू 16 दी है, तो इसका मतलब फोर स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब ये आया कैसे 16? तो लिटिल टू सेज द नंबर अपियर्स ट्वाइस इन मल्टीप्लाइंग। तो ये लिटिल टू हमें ये तो बताता है कि स्क्वायर है, साथ ही साथ हमें ये बताता है कि इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये दो बार लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके, ट्वाइस इन मल्टीप्लाइंग। यानी इसी नंबर को हम कितनी बार लिखें, टू बार। एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा है कि अगर पावर टू है तो टू टाइम्स लिखेंगे, पावर थ्री है तो थ्री टाइम्स लिखेंगे, तो यहाँ पर टू टाइम्स लिखेंगे। तो पावर टू है यानी फोर की पावर टू, यानी फोर मल्टीप्लाई फोर, यानी कि फोर का स्क्वायर। ठीक है, अब फोर मल्टीप्लाई फोर क्या होता है 16, इसलिए फोर का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो ये तो हो गया स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जीरो स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर यानी जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो। वन का स्क्वायर लिखना हो तो वन के पावर टू लिख दे, वन मल्टीप्लाई वन यानी कि वन। टू का स्क्वायर लिखे तो टू का स्क्वायर एंड टू की पावर टू, टू क्रॉस टू इज इक्वल टू फोर। ये सब चीजें आपको क्लियर है, आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी आपको इस चीज को ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ कि जैसे कि आप जब आगे प्रॉपर्टीज पढ़ो तो आपको वो चीज क्लियर हो। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट दे रही हूँ। देन हम पढ़ते हैं अपना नोट, आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि वेन वी स्क्वायर अ नेगेटिव नंबर वी गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। हमेशा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर निगेटिव नंबर जैसे कि यहाँ पे माइनस फाइव है, माइनस फाइव का स्क्वायर कर रहे हैं तो यानी माइनस फाइव को टू टाइम्स लिखेंगे, माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव, और आप आंसर देखते हो कितना आता है 25। माइनस माइनस प्लस, फाइव फाइव से 25, तो 25 आंसर आता है। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि माइनस नंबर का, अगर निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर की कहानी। अब आते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर तो सबको क्लियर होते हैं, स्क्वायर रूट्स में आते हैं हम लोग। तो देखिए स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट गोज द अनदर वे। स्क्वायर रूट स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि थ्री का स्क्वायर हमने कहा नाइन होता है। ठीक है, तो नाइन से अगर हम थ्री की ओर चलें तो नाइन से नाइन क्या होता है, नाइन का स्क्वायर रूट होता है थ्री, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन। तो नाइन का स्क्वायर रूट अगर हमें पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, थ्री। तो इस तरह से हमने क्या बोला कि जो स्क्वायर रूट होता है ऑफ अ नंबर वो एक वैल्यू होती है डेट कैन बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गिव द ओरिजिनल स्क्वायर रूट। यानी नाइन का स्क्वायर रूट क्या है, थ्री। कैसे थ्री है, क्योंकि थ्री को जब हम थ्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन आएगा। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगर रिजल्ट हमारा आ जाए तो इसका मतलब कि ये जो है वो इसका स्क्वायर रूट है। जैसे कि थ्री को जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन आता है, इसका मतलब थ्री क्या है, स्क्वायर रूट है नाइन का। सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करते तो 49 आता है, इसका मतलब सेवन स्क्वायर रूट है 49 का। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 49 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 7, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इतना क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हम जब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, वहां पर आपको एक नंबर एक टर्म लिख के आएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले जब तक हमें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नहीं पता होगा तो हमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी। तो पहले आप समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है, जो परफेक्टली स्क्वायर हो जाए, परफेक्टली स्क्वायर हो जाए यानी किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें कोई रिजल्ट आ जाता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। डैट मीन्स, फिर से समझिए इसको, कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर
विद इटसेल्फ, कोई इंटीजर है उसका अपने आप से प्रोडक्ट करें तो कोई अदर इंटीजर में मिल जाए तो वो इंटीजर उसका क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 आया, तो 4 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 4 को पाने के लिए, 4 को गेट करने के लिए हमारे पास दो ऐसे नंबर्स थे जिनको सेम, यानी 4 को पाने के लिए हमारे पास एक ऐसा नंबर था यानी 2, जिसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना, यानी कि 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि 4 को पाने के लिए हमने एक ऐसा नंबर लिया 2, जिसको 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जा रहा था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या 5 भी हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 5 जब हम चेक कर रहे हैं तो 5 को पाने के लिए हमारे पास कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है। ठीक है, आप बताइए 5 पाने के लिए हम क्या 1x1 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 2x2 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 2x2 करेंगे तो 4 आएगा तो 5 तो नहीं आएगा, 3x3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 से काफी बड़ा, और इसके बाद हम कोई भी इंटीजर लेंगे तो वो 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम माइनस में चलते हैं, इंटीजर की बात करें तो माइनस में चलते हैं, -2 -2 तब भी आपका 4 आएगा। तो इससे से हमने देखा 5 को पाने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके हम 5 ले आए। ठीक है, कोई भी ऐसा इंटीजर हमारे पास नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, है क्या? आप देखिए नहीं है ना, वही आप देखिए 6 है, एग्जाम्पल्स में कुछ और ले लेती हूँ, 6 है, 6 को पाने के लिए, 6 को पाने के लिए हम 3x2 कर सकते हैं, 6x1 कर सकते हैं, पर क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 6 आए? ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 6 ले आए। ठीक है, वही देखिए आप 9 को 3 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्लियर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जिनके लिए कोई एक नंबर ऐसा हो जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज वी कांट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इट्सेल्फ, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इट्सेल्फ के साथ नहीं रख सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर ये क्लियर हो गया है आपको, अगर ये क्लियर हो गया है तो हम ये समझते हैं कि हाउ विल वी नो एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब अगर हमें ये क्लियर हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और क्या नहीं होता, तो क्या बताइए अब जितने नंबर आएंगे सबको हम इस तरह से चेक करेंगे कि चेक करके देखते हैं कि क्या उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा नंबर आपके पास आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके पास नंबर आ गया 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, इतना बड़ा नंबर है। अब आपसे बस ये पूछ लिया कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये इज, ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, आपसे इस तरह से पूछ लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को हमारे दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आए, अगर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आएगा तो नहीं है। क्या ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा इसको सॉल्व करने में, और फिर हमारा आता है कि नहीं आता वो भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स ही आपकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जिनके थ्रू हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तो आपको क्लियर हो गया, तो हम ये समझ सकते हैं यानी ये नंबर हमारा कोई दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास ट्रिक होती है, उसी ट्रिक को हम लोग नाम देंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है हमसे, कि इफ द एंडिंग डिजिट का मतलब ये लास्ट नंबर, एंडिंग डिजिट का मतलब ये लास्ट नंबर, पूरी डिजिट है डिजिट का एंड, यानी हम अगर लेफ्ट टू राइट चले तो एंडिंग डिजिट, लास्ट डिजिट जो है, एंडिंग डिजिट को आप लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो और यूनिट प्लेस की डिजिट भी बोल सकते हो, डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट होता है ना ये यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो आपका ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है या एंडिंग डिजिट है या लास्ट डिजिट है उसको चेक करते हैं। अगर ये जो लास्ट डिजिट है
वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होती है, इनमें से कोई एक होती है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और अगर इनमें से इन सारे नंबर्स में से अदर देन कोई नंबर होता है तो हम कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। अच्छी सी ट्रिक, यानी बहुत ही इजीली प्रॉपर्टी है ये, बहुत ही इजी ट्रिक है कि बस हमें क्या चेक करना है, कोई कितना भी बड़ा नंबर हमें क्यों नहीं दे दे, लास्ट की डिजिट देखनी है हमें कि वो हमारी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं क्या ये सही है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था, आप देखिए यही इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए। लास्ट में आपका क्या आ रहा है, 6, और 6 देखिए इसमें है, हाँ 6 इसमें है, डेट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्यों होगा, अगर आपसे रीजन पूछ ले तो बिकॉज इट्स वन डिजिट या डिजिट एट वन प्लेस इज 6, ठीक है, देयरफॉर इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो कुछ एग्जांपल लेके चेक करते हैं जिनके स्क्वायर हमें पता है, जैसे कि 121 है, हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, 121 11 का स्क्वायर होता है। कुछ छोटे नंबर्स ले लेते हैं जिनके आपको पता है स्क्वायर, ठीक है, और ले लेते हैं हमारा 36, जिसको पता है आपका कि वो 6 का स्क्वायर है। देन हम कुछ बड़े नंबर्स लेना चाहें अगर हम, तो क्या ले लें, जो आपको पता है, जो जनरली आप बता सको, हम ले लेते हैं 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है। और हम कुछ नंबर ले लें, 49 ले लें जो कि 7 का स्क्वायर होता है। और हमें क्या पता है, हमें पता है अगर हम लेना चाहें तो आपको भी पता होगा ये चीज़ कि 900 जो है वो 30 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हम चेक कर रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे नंबर लिए हैं जो कि हर बच्चे को पता होगा। इतना तो आपको 20 तक तो नंबर्स के स्क्वायर याद करवाए जाते हैं, तो 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर 20 तक कितना होता है वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 121 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ये सारे मैंने वही नंबर ले रखे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो हमें पता है कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ये मैंने वो एग्जांपल लिए हैं जो सच में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये चेक करने के लिए कि यह देखिए आपका ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हमने क्या कहा कि हमें चेक करना है कि 121 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए इसकी लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 1 है तो यस परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हमने लिए हैं सबकी लास्ट डिजिट या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 0 है, या तो 6 है, या तो 9 है, एक और हम 5 वाला ले लेते हैं। तो 5 वाला लेने के लिए हमने ले लिया 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो हमने चेक किया कि ये सारे नंबर्स जो है हमारे वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा होगा वो सब परफेक्ट स्क्वायर है, बट अगर आपके पास अगर कोई नंबर देता है और उसके लास्ट आपसे बस इतना पूछता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अगर आपका लास्ट में 5 आ रहा है डेट मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, यानी हमें यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि अगर हमें चेक करना है तो हम एंडिंग डिजिट चेक करेंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आना चाहिए तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अभी हम लास्ट में इस पे एक्सरसाइज भी करेंगे, पहले हम इतना समझ लेते हैं आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें कहती है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो अब बताइए इस प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें बताएगी कि परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा। अब ये क्या आप अपने से नहीं बता लोगे, इन नंबर्स के अलावा जो नंबर्स हैं अगर वो आते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कौन कौन से नंबर बचे हमारे पास, 2 नहीं है हमारे पास, 3 नहीं है, 4, 5, 6 हो गया, 7 और 8 नहीं है, यानी 2, 3, 7, 8। अगर 2, 3, 7, 8 आपका लास्ट में आता है तो हम कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि आपका ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी मस्ट और मस्ट नॉट भी हो सकती है, मे और मे नॉट भी हो सकती है। देखिए क्यों, मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपको, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, जो मैंने भी आपसे बोला उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, तो इसको आप क्लियर रखिएगा क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा इस चीज़ का। मैंने देखिए अभी आपसे बोला था, एक बात बोली थी मैंने आपसे
कि 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बट हमने कहा कि लास्ट डिजिट अगर 5 होती है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि नहीं, कि अगर लास्ट डिजिट हमारी 5 है तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पर यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी अकेली डिजिट है इसका मतलब लास्ट डिजिट यही है और लास्ट डिजिट 5 है लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, आपका बेस क्लियर होगा, कि ये जो मैंने आपको नंबर बताया 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये नंबर अगर लास्ट में आते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, नहीं। देखिए यहाँ आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं आपको यहाँ एक्सरसाइज के हिसाब से बता रही हूँ, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो 90% श्योरिटी ये होती है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, पर 10% ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि होगा या नहीं होगा। अब आप फिर से समझिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 नंबर अगर होता है लास्ट में तो पॉसिबिलिटी ये रहती है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी या मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ परसेंट पॉसिबिलिटीज ये भी होती है कि ऐसा नहीं होगा, बट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ मतलब तो होगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स हमने छोड़ दिए 2, 3, 7, 8 ये चार नंबर हमने छोड़ दिए, ये चार नंबर अगर कभी आते हैं तो 100% पॉसिबिलिटीज है, 100% श्योर है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप, यानी कि इनके अलावा जो हमारे पास नंबर्स बचे वो कौन कौन से नंबर बचे, 2, 3, 7, 8 अगर ये चार नंबर लास्ट में आते हैं एंडिंग डिजिट पे आते हैं तो 100% श्योर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ये मुझे बताना पड़ा कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं तो मे बी परफेक्ट स्क्वायर और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, बट अगर आपके पास इनके अलावा कोई नंबर होता है 2, 3, 7, 8 तो वो 100% श्योर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर आपके पास नंबर्स आएंगे तो इस टाइप से आएंगे, यहाँ जो आपका पर्टिकुलर इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, वहां आपसे क्योंकि यही जानना चाह रहा है वो कि आपको प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं, यहाँ एक्सरसाइज में जो राइटर है या जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं। तो ये दो प्रॉपर्टी बेस्ड ये आपका केवल चैप्टर है, इस वजह से यहाँ पर आपसे सिर्फ यही दो क्वेश्चन पूछेंगे, या तो यहाँ पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा या तो यहाँ पर आपका 2, 3, 7, 8 होगा। तो आपको बस इन दोनों में से बताना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर ये है तो होगा, ये है तो नहीं होगा। बट आपको साथ ही साथ ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक नंबर होता है 5 और दूसरा नंबर होता है 25, तो 5 और 25 अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, यानी दोनों नंबर आपके लास्ट में 5 वाले हैं उनको कंपेयर किया जाए, तो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर आपका देखिए, इसीलिए मैंने आपसे क्लियर कर दिया, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो हमने कहा कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट यहाँ हमने कहा 25 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हाँ, 5 लास्ट में आता है अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट अगर आपके पास यहाँ पर चॉइस ऐसी दे कि यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर लास्ट में 5 है और परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप वहां पे कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही बना के देगा टीचर यहाँ पर, जहां पर आपका या तो 5 होना चाहिए लास्ट में या तो 2, 3, 7 यानी या तो ये नंबर होना चाहिए या तो ये नंबर होंगे, और इन दोनों में बस आपको आंख बंद करके ये बताना है कि ये नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर है और ये नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि यहाँ हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना है, जहां हमसे क्वेश्चन पूछता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वहां वो हमसे सिर्फ यही जानना चाह रहा है कि हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर है या नहीं, तो हमें सिर्फ इन दोनों में से चॉइस करनी है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को लेकर बात करें, तो हाँ हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि ये भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो लास्ट वाला नंबर, ठीक है।
अभी इसीलिए हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी टू पे नहीं अटकेंगे, प्रॉपर्टी थ्री प्रॉपर्टी फोर आगे भी जाएंगे, क्योंकि हमें केवल एक प्रॉपर्टी से हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं लगे कि हमने तो बिल्कुल आपको एक तरह से दुविधा में रख दिया कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो क्लियर नहीं है। तो यहाँ के लिए आप अभी केवल इतना ध्यान रखें कि इस पे बेस्ड आपके पास केवल एक क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए ये आपका स्क्वायर ऑफ नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर लास्ट में ये नंबर है तो स्क्वायर हो, देखिए आपको कैन भी पूछेगा, मस्ट भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है लास्ट डिजिट तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो यस इट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, नॉट भी हो सकता है, लेकिन वो तो अलग केस है, लेकिन ये कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। पर ये अगर है तो ये श्योरिटी है कि इट कान बी परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारा लास्ट में ये डिजिट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये मस्ट भी आपका स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, ये पूछेगा कि अगर ये नंबर आते हैं तो क्या ये चांसेस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो यस पूरे चांसेस है, या आपका एक तरह से चांस तो है ही ना, पॉसिबिलिटीज तो है ही ना कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। पर अगर ये आता है तो बिल्कुल चांस नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कैन में आपके पास यहाँ पर एंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए पहले दूसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, देन फिर हम बताते हैं आपको इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। चलिए तो हमने लिख लिया ये प्रॉपर्टी नंबर टू कि इफ द एंडिंग डिजिट ऑफ नंबर इज 2, 3, 7 और 8 देन द नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि ये हमारे डिस्कशन का मोटो क्या था, ये ढूंढना कि कब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कब होगा उसमें तो पॉसिबिलिटीज हैं, पर कब नहीं होगा वो डिफरेंट, वो 100% श्योर है आपका कि जब 2, 3, 7 और 8 आता है नंबर तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट में हमारे पास जैसे कि 12, तो 12 आपको पता है लास्ट में 2 आ रहा है, तो 12 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही और नंबर ले लेते हैं, हमारा 23, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देखिए इसके लास्ट में 3 है। फिर और ले लेते हैं हमारा 27, 27 आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है, पर ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें लास्ट में 7 है, 7 है तो स्क्वायर नहीं होगा। 18, 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल ले लिए 2, 3, 7, 8 वाले, आप भी अपने से एग्जाम्पल्स लेना और फिर उसके बाद क्लियर करना, और खुद से आप देखोगे कि जितने भी नंबर्स होंगे जिनके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है वो कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, देन फिर हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सीइंग द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रखी है उसकी वैल्यू देखकर बताइए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इनमें से जो ये चार नंबर हैं इनमें से कौन स्क्वायर ऑफ अ नंबर हो सकता है, कैन बी, ठीक है, कौन हो सकता है, ठीक। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसने खुद ही बोल दिया है, उसने खुद हमसे क्लियर कर दिया है कि यूनिट प्लेस देखकर बताइए, तो हमें तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया है कि यूनिट प्लेस देखना है। तो चलिए सबकी यूनिट प्लेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट प्लेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, सिंस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, तब तक आप सोचते रहिए कि ये आपका है कि नहीं है, 2, यूनिट प्लेस इज 2, देयरफॉर इट, आप बताइए कि ये है या नहीं, कैन और कैन नॉट बी। तो देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, 2, 3, 7, 8 अगर आएगा तो नेवर बी ए स्क्वायर नंबर, तो देयरफॉर इट कैन नेवर बी अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको यही थ्योरी जो है वो सारे क्वेश्चंस में लिखनी है, मैं बार बार थ्योरी नहीं लिखूंगी, अब आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ नंबर होगा, नहीं, ठीक है।
5, 6, 8, 4, लास्ट में आपके है 4, 4 हो सकता है आपका। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख दे आपको कि कौन कौन से नंबर थे एक बार आपको रिवाइज करने के लिए। 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये अगर होता है तो आपका स्क्वायर होगा 2, 3, 7, 8, ये होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसे मैच कर लीजिए, 4 है डैट मीन्स कि हमारा ये होगा। लास्ट में 1 है तो 1 हो सकता है, तो ये भी कैन बी में आ जाएगा आपका। 9 है हो सकता है, तो ये भी आपका कैन बी में आ जाएगा। तो सर आपने देखा कि ये तीन जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्वायर हो सकते हैं, जबकि पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। कैसे बताया हमने? सिर्फ और सिर्फ ये दो नंबर्स देख के। तो अगर हम किसी छोटे बच्चे को भी बोल देते हैं कि आप इस नंबर को देख के बता दो कि ये स्क्वायर है कि नहीं, तो वो भी बता देगा। तो इस तरह से आपने देखा कितना ईजी है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने ये तो देख लिया कि अभी कोई नंबर अगर स्क्वायर है या नहीं तो वो तो पता कर लेंगे, पर अब हम देखते हैं कि स्क्वायर नंबर यानी है या नहीं, ये तो हमने पता कर लिया, पर अगर हमें ये पता करना हो कि ये सिर्फ आपका यानी ये आपका 1 का स्क्वायर है या ये 2 का स्क्वायर है, या कैसे हम पता करें कि ये पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होगा, या कुछ इस टाइप से। अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो जब प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं फिर मैं बताती हूँ कि आपको क्या बताना चाह रही हूँ मैं। चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 3 ना करके अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 6 कर रहे हैं। अब देखिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे क्यों पहुंच गई डायरेक्टली। यहाँ पर प्रॉपर्टीज का नाम नंबर मैटर नहीं करता है, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैटर नहीं करता है। ये आपके चैप्टर आपके बुक में आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 दिया है, इस वजह से आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने नंबर्स को वही रहने दिया है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी का यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट 6 क्यों उठा के रख दिया, आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम क्यों नहीं चले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्लियर करने के लिए, जैसे हमने इससे पहले बात की आपसे, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने कहा कि अगर 1, 4, 5, 9, 6 ये नंबर आते हैं, 0, 0, 1, 4, 5, 9, 6 ये नंबर आते हैं आपके, तो वो नंबर क्या होगा आपका, मतलब 1 डिजिट पे आता है तो वो कैन और कैन नॉट बी या मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, बट अगर 2, 3, 7, 8 आता है तब तो कंफर्मली है कि वो नहीं होगा। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास पहले वाले में कुछ पॉसिबिलिटीज थी कि या तो हो सकता है तो नहीं हो सकता, तो उसे भी तो क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो हम उसी में कंफ्यूज जाएंगे कि 5 और 25 दो नंबर्स थे। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, अभी देखिए मैंने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, वो भी मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको समझा दूँ कि हम कर क्यों रहे हैं, पहले 6 क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 था एंड 25 था, इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन थी कि ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमने कहा इसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, बट हमें पता है कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जबकि 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब हमारी दूसरी कौन सी ट्रिक है जो इन दोनों में डिवाइड करेगी या दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगी, तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि हमें ये बताती है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं कि हमारा 0 या 1 आता है कि नहीं। तो 5 को पहले हम चेक करते हैं, 5 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, और अगेन हमें क्या करना है, 25 को भी 3 से डिवाइड करना है, और दोनों में चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं, 3 1 3 करेंगे तो देखिए आपके पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, जबकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर कितना आ चाहिए, 0 और 1, इसका मतलब 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी चेक कर लेते हैं, 3 है, 3 8 24, ठीक है, रिमाइंडर आया हमारा 1। अब r इज इक्वल टू 1, r हमारा 0 या 1 हो सकता है, देयरफॉर 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम एक और नंबर आपके पास लेके थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। वैसे आपको इतने में ही क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास दो नंबर्स आते हैं और दोनों में आपका ये चारों डिजिट होती हैं, फिर आपको कंफ्यूजन है, आपको क्लियर नहीं है, पहले तो आपने इन दोनों से छांट लिया, इन दोनों से पिकअप कर लिया, आपने ये चेक कर लिया कि आपके पास अगर ये सारे नंबर होते हैं और ये सारे नंबर होते हैं तो ये तो परफेक्टली है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इतना हटा दिया। अब जितने आपके पास ये दो नंबर्स बचे 5, 25, अब इनमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हम करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक नंबर मैं आपके पास और लेती हूँ, 125,
ठीक है। और एक नंबर और लेती हूँ 625, ये सारे मैं 5 वाले ले रही हूँ आपके पास। अब इन सबको चेक करते हैं, 125 को चेक करते हैं। तो 125 को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 125 को डिवाइड करते हैं एक बार 3 से और एक बार 625 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 4 12 हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, 5 बचा, 3 1 3 ये किया हमने, 2 आया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर इक्वल्स टू 2 आया तो हम कहेंगे नॉट पीएस, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, 0 या 1 में से एक नहीं आ रहा है। 625 चेक करते हैं, हमें पता है 125 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो परफेक्ट क्यूब है 5 का, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। 625 चेक करते हैं 3, अब 3 से हमने क्या किया, 3 2 6 ये कट गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा और 25 पूरा का पूरा नोट हो जाएगा, ये आया आपका 8 टाइम पे 24 और आया 1 रिमाइंडर। अब देखिए 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और हमें पता है 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमने कहा कि हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 क्लियर हो गई ना। तो अब आपके पास अगर कोई नंबर बोलता है, अब हमारा जाके टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर 2 3 7 8 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 0 1 4 5 6 9 आता है तो आप उसको 3 से चेक कर लेना डिवाइड करके। अगर 3 से डिवाइड करने के बाद आपका 0 या 1 में से कोई रिमाइंडर आता है तब वो श्योरली आपका, अब आपका 100% श्योर हो गया कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर आपका 0 1 नहीं आता है, कुछ और आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें, मैं आपको बता दूं उसके बाद लिखवा देती हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें ये बताया जाएगा कि जो कोई पर्टिकुलर नंबर है वो आपका स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ये चलिए देखते हैं, हमें बताते हैं आपको। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, यानी इसको पढ़ने से पहले हमारी हेडिंग क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर नंबर इज द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। यानी अगर आपके पास दो नंबर्स, यानी एक नंबर दे दिया हो और उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर दे दिए हो, यानी कई सारे आपके पास इधर से नंबर्स हो और इधर परफेक्ट स्क्वायर हो और आपको मैच करना हो कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, और ये नंबर है जिसका ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 है, ठीक है, हमें पता है कि ये 121 इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये तो हो गया सामने सामने। अगर हमने यहाँ पे कह दिया यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ पर आपका 16 है, यहाँ पर हमने कह दिया जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हमने कह दिया 49 है, यहाँ पर हमने कह दिया 36 है, और यहाँ हमने कह दिया 81 है, ठीक है। अब आपके पास ये नंबर्स कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि बताइए कि इनको मैच करिए कौन किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, हमें पता है कि ये इसका है, ये इसका है, मैचिंग करनी हमें आती है, हम आराम से इसको मैच कर लेंगे। हम बता लेंगे कि कौन किसका परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे बता लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ये तो याद है, हमें 20 तक के तो स्क्वायर नंबर याद है, तो हम आराम से बता लेंगे। बट अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा केस हो जाता है, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपके पास कुछ ऐसा केस हो जाता है 29 दे रही हूँ कि आपको याद नहीं है, इसलिए मैं सामने दे रही हूँ कि 21 का 9 का स्क्वायर 841 होता है। अब आपको याद तो है नहीं कि 29 का स्क्वायर जो है वो 841 होता है, तो आप कैसे पहचानोगे यहाँ पर, वो हमारे पास आती है प्रॉब्लम, और जिसका सोल्यूशन हमारे पास देती है प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी नंबर 3 या इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज हमें वो क्या शो करेंगी, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर नंबर जो है उसका स्क्वायर है, यानी पर्टिकुलर नंबर जो है वो गिवन नंबर का स्क्वायर, जैसे कि पर्टिकुलर नंबर 841 जो है वो 29 का स्क्वायर है या नहीं है या हो सकता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो चेक करते हैं। अब ये नहीं पता है चलेगा हमारे कि एग्जैक्टली ये 29 का है, पर ये इसका हो सकता है या नहीं वो हम यहां बताएंगे। मैं आपको बार बार ये चीज बता रही हूं कि कैन और कैन नॉट बी पे बेस्ड है। तो अगर हमारा यहां पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, कि कोई नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है उसके लास्ट में 1 या 9 आता है, लास्ट डिजिट 1 या 9 आती है, फिर से मैं बोल रही हूँ 1 या 9 आती है,
तो स्क्वायर जो होगा उसके नंबर का, उसमें हमेशा लास्ट में वन आएगा। यानी एंडिंग डिजिट अगर हमारे किसी नंबर की वन होती है या नाइन होती है तो उसका स्क्वायर हमेशा उसमें वन होगा। देखिए कैसे, यहाँ हम चेक करते हैं, ये नंबर हमारे पास वन है, इसकी एंडिंग डिजिट वन है, तो इसका स्क्वायर की में लास्ट डिजिट में वन होना कंपलसरी है। तो देखिए हमारे पास 121 में वन है। देखिए इसमें लास्ट डिजिट नाइन है, हमने कहा ना वन और नाइन दोनों, इसमें लास्ट डिजिट नाइन है, तो नाइन का स्क्वायर भी जो होगा उसमें भी लास्ट डिजिट वन होनी चाहिए। तो हमने कहा 81, हाँ इसकी लास्ट डिजिट वन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास देखिए यहाँ तो इतने सारे केसेस हैं, लेकिन हमें आइडिया एक मिल गया कि जो 11 का स्क्वायर होगा वो इन तीनों में से एक होगा। 11 का स्क्वायर है तो 121 हो सकता है, तो 81 हो सकता है, या 841 हो सकता है। कैसे हमने ये आइडिया निकाला, यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 50-50 चांसेस तो कर सकते हैं, इनमें से पिकआउट करने वाला ये चांसेस है। यानी इतने सारे अगर दिए हुए और हमें 11 को बताना है कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम इसे ये तो बोल सकते हैं, अगर हम 11 की पर्टिकुलर बात करें तो 11 की पर्टिकुलर बात करें तो 16 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्लास में वन नहीं है। 49 आपका नहीं होगा, 36 आपका नहीं होगा, क्या हो सकता है, या तो 1, या तो 81, या तो 841। तो इस तरह से हमने क्या किया, इससे हमें एक अंदाजा तो मिल गया कि हाँ अगर 11 हमारे पास दिया है तो उसके ये तीन चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, लास्ट में अगर 9 या 29 है, इन दोनों में देखिए लास्ट में 9 है, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज ये है कि या तो इनका ये 121 होगा, 81 होगा, या 841 होगा, या तो इनका इन तीनों में से कोई एक होगा। बट ये तीनों केस जो है अभी हमने डिफाइन नहीं किए, तो अगर ये तीन दिए हैं हमारे पास तो ये तीन केस हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई नंबर के लास्ट में वन या नाइन होता है, वन या नाइन होता है, तो उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में वन होगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 4 और 6, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो या तो 4 होती है या तो 6 होती है, तब जो उसका स्क्वायर होगा उसमें हमेशा लास्ट में 6 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना कि अगर 1 और 9 होती है तो हमारा स्क्वायर में क्या होगा, हमेशा लास्ट में 1 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर स्क्वायर में लास्ट में 1 आ रहा है तो बताइए कि उसकी 1 डिजिट क्या हो सकती है, तो 1 या 9 हो सकती है, ठीक है। ये आपसे ऐसे पूछे कि अगर हमारा कोई नंबर है जिसके लास्ट में 1 है तो बताइए उसके स्क्वायर में लास्ट में क्या होगा, तो अगर 1 है तो स्क्वायर में भी 1 होगा, अगर 9 है तो स्क्वायर में 1 होगा। तो इसी तरह से अगर हमारा 4 है तो स्क्वायर में 6 होगा, अगर हमारा 6 है तो भी स्क्वायर में 6 होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर 4 है का मतलब क्या होगा, 4 है तो हमें पता है कितना होता है, 16 है ना। अगर हमारे पास 6 है तो हमें पता है क्या होता है, 36, ठीक। तो देख लीजिए अगर 4 होता है लास्ट में तब भी आपका 6 आएगा स्क्वायर में, अगर 6 है तब भी आपका 6 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है हमसे कि इफ द नंबर एंड्स विद एन जीरोस इट्स स्क्वायर एंड्स विद 2n0s। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो अभी तक हम लोग चल रहे थे कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 आता है तो ये तो श्योर है ना कि उसका स्क्वायर जो होगा उसके भी लास्ट में 0 आएगा। यानी अगर ये आपकी प्रॉपर्टी है तो एक तरह से ये भी प्रॉपर्टी हुई ना कि इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0, अगर लास्ट में 0 आता है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 है, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 100। तो देखिए यहां अगर 0 है तो यहां भी 0 आएगा। अगर 20 है तो 20 का स्क्वायर भी हमें क्या पता है, 400 हो गया, यानी कि 0, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वो प्रॉपर्टी जो यहां पर नहीं दी है, क्योंकि वो वेल नोन होती है कि आपको पता होगा। अगेन यहां जो पूछ रहा है वो देखते हैं, ये भी हमारे इसी से सॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या सॉल्व हो रहा है, कह रहा है कि कोई नंबर अगर हमारा है और उसके लास्ट में हमारा जो है 1 0 है, 1 0 है, यानी n है तो 2n हो जाता है, तो 1 है तो उसके स्क्वायर में क्या होंगे, 2 0s होंगे, 2 है तो 4 0 होगा, 6 है तो 12 0 होगा। एन का मतलब क्या हो गया, इफ एन इक्वल्स टू 1 2 3 ... तो 2n क्या हो जाएगा, 2 2n है, 2 × 1 ना, 2 × 2 यानी 4 2 × 3 यानी कि 6 ... यानी एन अगर 1 2 3 है तो 2n क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में,
ठीक है, तो ये 2, 4, 6। तो इस तरह से हमने कहा कि अगर एक जीरो है तो उसके स्क्वायर में 2 जीरो होंगे, अगर 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो होगा, 3 है तो उसके स्क्वायर में 6 जीरो होगा। तो देखिए, 1 था तो स्क्वायर में 2 जीरो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मैंने काउंट नहीं किया, चलिए काउंट करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 जीरो है यहाँ पर तो आप बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। तो इसका स्क्वायर में क्या होगा, 6, 2 जा 12, 6 है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पर n6 है तो ये क्या होगा, 12 होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12। तो अगर हमें इसका स्क्वायर लिखना हो तो बेझिझक हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 6 जीरो थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया इसका स्क्वायर। था ना इजी, बहुत इजी था। ठीक है, अब एक चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, तो हमने पढ़ी लिया, प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पहले देख लेते हैं क्या बोल रही है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोल रही है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। मुझे पता है आप में से आधे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सबसे टफ लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे करेंगे। जब इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता है तो आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, आपको लगता है कि क्या करा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये सबसे ईजी होता है क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली दे दिया है। तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको क्या कह रही है, कह रही है कि अगर कोई नेचुरल नंबर n है आपके पास तो n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n होता है। तो देखते हैं इसको चेक करते हैं कैसे, हम किसी एक नंबर के लिए, दो नंबर के लिए बात करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर n इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 के लिए हम बात करते हैं। चलिए इसी फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां वहां 2 रख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n की जगह रखा 2 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 2। देखिए जहां जहां n था बस मैंने वहां वहां 2 कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब 2 प्लस 1 क्या होता है, 3, तो यानी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो अगर हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिया है तो उसका आंसर 5 होगा, हम डायरेक्टली बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, कैसे बताया हमने, अब देखिए आपने हमें क्या किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर था माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 आ रहा है। ठीक, तो अगर हम इसी तरह से फॉर एन इक्वल्स टू 8 करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रिक है तो हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है। एन इक्वल्स टू 8 है तो हमने फटाफट क्या किया, चलिए एक बार कर लेते हैं, 8 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है 8 प्लस 1 प्लस 8, इसका हो गया क्या, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 प्लस 8 यानी कि 17। तो इस तरह से इसका आंसर आया 17, कब, जब हमारे पास 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर दिया होगा तो 17। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ये थोड़ी पूछेगा फॉर एन इक्वल्स टू 2 के लिए ये लिखिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो देखिए, क्वेश्चन आपसे कहेगा किसकी वैल्यू निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ क्या, किस चीज की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें वैल्यू निकालनी है 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर बाय किससे कंपेयर करेंगे, ये आपका LHS वाला पार्ट है ना, तो LHS वाले से कंपेयर करेंगे, किससे, n प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए मैंने इसके नीचे इसको लिखा, माइनस के नीचे माइनस को, 7 के नीचे n का स्क्वायर। ठीक है, LHS को हमने ऐसा से लिखा जिसे कंपेयर करने में इजी हो। अब आप देख रहे हो कि n प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 8, और ये हो गई 7, तो यहां से हमें दिख रहा है कि n इक्वल्स टू कितना है, 7, बस हमें n से मतलब है। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या है, 7, तो देयरफोर क्या कंपेयर करके हमारे पास आया, n इक्वल्स टू 7। अब क्या हो जाएगा, नाउ हमें n इक्वल टू 7 थोड़ी चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला होता है n प्लस 1 प्लस n,
तो हमारा 8 यहाँ पर हमारे इनमें से n क्या है 7 है ना, तो हम क्या करेंगे बस देखिए इसके नीचे लिखेंगे 7 प्लस 1 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 यानी 15 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ? देखिए ये करना है हमें क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सिर्फ ये मेथड सेम लगाना है, अगर सेम मेथड आप ये लगाते हो तो आराम से कर लोगे। 8 का स्क्वायर दिया है माइनस 7 का स्क्वायर दिया है, इसके नीचे ये लिखा इसके नीचे ये लिखा, कंपेयर करेंगे n इक्वल्स टू 7 हो गया तो हम लिख देंगे n इक्वल्स टू 7। अब हमने लिखा यहाँ पे 8 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, अब देखिए जहां जहां हमारा ये जो फॉर्मूला लिखा था तो इसमें RHS की जगह हमने लिख दिया 7 1 प्लस 7 और इस तरह से 15 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब जल्दी से हम चलते हैं, हमारी ये प्रॉपर्टीज जो है 7 प्रॉपर्टीज हो गई, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन तो लगा लिया, तो और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, यानी मैं इसी पे मिसलेनियस जो है सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए करते हैं। यहाँ पे हमारे जो जो स्टूडेंट जिसके मैं एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, जिसने मुझे टॉपिक बोला था, सजेस्ट किया था बनाने के लिए, तो उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 को ले रही हूँ पहले, क्योंकि अभी अभी हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी 7 प्रॉपर्टी है उसी पे बेस्ड है, तो अगर हम इसको पहले करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, देन उसके बाद हम लोग और अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए सेम ऐसे ही है, 37 है एक बड़ा है इससे, एक नंबर बड़ा है, ये n प्लस 1 है तो ये n है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर बाय LHS वाला साइड, देखिए इसी के नीचे लिख रही हूँ मैं, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है n प्लस 1 प्लस n, ये आपका फॉर्मूला है आपको लर्न होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए इसको कंपेयर करते हैं, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 36, देखिए यहाँ से कंपेयर किया जाए तो n इक्वल्स टू 36, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया n इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब नाउ हम क्या करेंगे, अब नाउ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, यानी 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर निकालना था हमें, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे 36, तो 36 प्लस 1 और यहाँ पर भी क्या रखना है हमें 36 रखना है। अब इसको सॉल्व करिए, 37 प्लस 36 और इसको सॉल्व करते हैं, 7 6 हो गया 13 का 3, 1 3 3 आपका 6 और 1 7, तो इस तरह से 73 हो जाएगा आपका आंसर, 73 हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ आपको, ये आप खुद से ट्राई करोगे। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, सेम इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप कमेंट करोगे मुझे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं, 2 क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। अब याद करिए ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी जो कह रही थी कि स्क्वायर ऑफ नंबर अगर हमारा लास्ट में 1 या 9 होता है तभी उसके स्क्वायर में 1 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कह रहा है कि 81 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 133 का स्क्वायर या 521 का स्क्वायर, इनमें से किसका स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 81 का स्क्वायर करें, 81 का स्क्वायर करें तो क्या इसके लास्ट में 1 आएगा, क्या इसके लास्ट में 1 आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 या 9 आता है तो ऑब्वियसली उसके स्क्वायर्स में लास्ट में 1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 81 के स्क्वायर के लिए, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, तो लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे कि 81 के लिए लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 81 will have 1 at their unit place because any number have unit place digit 1 or 9 is the answer here। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 या 9 होगा वो इसका आंसर होगा, यानी 81 का स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर होगा,
47 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है या 9 भी नहीं है. 59 है तो ये होगा. 133 नहीं होगा. 521 होगा, क्योंकि इसमें भी लास्ट में 1 है. ठीक है, अब इसी तरह से आप इसको लिख लीजिएगा. अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट देयर यूनिट प्लेस, इसकी आप अपने से वर्डिंग्स कर लीजिएगा. मैंने तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया है, आप इसकी वर्डिंग्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट देयर यूनिट प्लेस, अब बताइए इसमें से 6 किसके यूनिट प्लेस पे होगा. तो हमें पता है कि जिसके नंबर के लास्ट में 4 या 6 आता है, जिस भी नंबर के लास्ट में 4 या 6 आता है उसका स्क्वायर जो होता है उसमें 6 आएगा. तो देखिए यहाँ पर हमारा जिसमें 4 और 6 आता है, तो हम कहेंगे सिंस हम क्या बोलेंगे इसको, आप इसकी वर्डिंग कर लीजिए. सिंस इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 4 और 6, देन इट्स स्क्वायर एंड विथ 6. ठीक है, और देयरफोर आपका 53 देखिए, यहाँ पे 4 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो ये नहीं होगा आपका. 26 6 है, तो हम कहेंगे देयरफोर 26 स्क्वायर हैव 6 एट यूनिट प्लेस. ठीक है, ऐसी आप इस वाली की वर्डिंग कर सकते हो. थोड़ा सा वर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ये होगा. 59 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है. 64 होगा, 144 होगा. क्लियर हो रहा है? अब लास्ट देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ नंबर एंड विथ 4 जीरोस हाउ मेनी जीरो विल इट्स स्क्वायर हैव, अगर कोई नंबर 4 जीरो होते हैं तो हमें पता है कि इफ द नंबर एंड विथ एन जीरो, अगर एन जीरो से एंड होता है तो उसके जीरोस कितने होते हैं, तो इट्स स्क्वायर हैव 2n zeros होंगे. अगर n है तो 2n होते हैं. तो therefore if a number, if n equals to हमें क्या दे रहा है 4, तो therefore हमारा 2n equals to कितना हो जाएगा, 2 into 4, that means 8. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 zeros. क्लियर हो रहा है? यानी इफ द नंबर एंड विद एन जीरो तो इट्स स्क्वायर हैव 2n0. तो इफ एन इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2n, यानी 2 × 4, 8, तो 80 होगा स्क्वायर हैव. तो स्क्वायर हैव 8 जीरोस. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने ये जो पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वो क्लियर हो गया. ये केवल उसी स्टूडेंट के लिए नहीं है जिसने इसे पूछा था, या आपका केवल 7th या 8th क्लास के लिए नहीं है. ये आपका जो है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, कि कैसे पहचानेंगे, ये आपका 8th क्लास एनसीईआरटी में भी है, आपका ये 7th क्लास और 8th क्लास यहाँ पे जो हमारा आईसीएसई बोर्ड है इसमें भी है, ये आपको 9th क्लास में भी देखने को मिलेगा. और तो और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं 1 और 2 मार्क्स के, जिस तरह से मैंने आपको करवाया, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. तो इस तरह से ये कोई आपका नॉर्मल सा टॉपिक नहीं था. इस तरह से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आई होप मैंने जिसके लिए वीडियो बनाया है उसे भी ये चीज समझ में आई होगी. अगर आपको ये चीज समझ में आया है, ये टॉपिक क्लियर हो गया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे भी ये पता चले कि मैं जो ये आपके वीडियोस बना रही हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है. और भी अगर आपको इस तरह के कोई टॉपिक है जिसपे आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करो. आप मुझे यहीं पर यूट्यूब पे कमेंट करो, जिससे कि मुझे क्लियर हो सके कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना है. और एक ही जगह रहेगा तो मैं आराम से उसके वीडियोज जो है वो आपको बना के प्रोवाइड कर पाऊंगी. चलिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके. एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको मिलते रहे, जो मैं नया वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो भी आपको मिलते रहे. चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक स्टूडेंट्स.